शासन के निर्देश के क्रम में पंचायत कल्याण कोष के माध्यम से कार्यशाला के दौरान प्रधान जिला पंचायत प्रमुख के आकस्मिक निधन पर 10 लाख रुपए, जिला पंचायत सदस्य 5 लाख व बीडीसी सदस्य को 3 लाख, ग्राम पंचायत सदस्य को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता कोष के माध्यम से मृतक के परिजनों को दी जाएगी। इस संबंध में सिटी वंद के संवाददाता से बात करते हुए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया। पंचायत कल्याण कोष की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री ने दिसंबर में जब प्रधान जिलों का सम्मेलन किया था उसमें उन्होंने पंचायत कल्याण कोष बनाने की घोषणा की थी। उसके बाद जो जियो आया उसके तहत किसी अगर प्रधान जी की मृत्यु या किसी वजह से हो जाती है अपने कार्यकाल में तो उसे 10 लाख रुपया, इसी तरह से अगर किसी जिला पंचायत के अध्यक्ष की या प्रमुख की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें भी 10 लाख रुपया, और अगर कोई जिला पंचायत सदस्य की मृत्यु होती है उन्हें 5 लाख रुपया, अगर किसी बीडीसी मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 3 लाख रुपया, और किसी ग्राम पंचायत सदस्य की कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर 2 लाख रुपया के देने की घोषणा की है। उसी के तहत जो है अभी कई ग्राम पंचायतों कई जिलों में इसके तहत लोगों को धनराशि मिली भी है। गोरखपुर में भी एक आध केस आने वाला, एक डेथ अभी हाल फिलहाल में हुई है, उन्होंने दिया गोला में, अभी उन्होंने क्लेम नहीं किया पर हमने उनसे बात करी कि वो क्लेम करें, जैसे भी क्लेम करेंगे उनको पंचायत कल्याण कोष से 10 लाख रुपये की धनराशि मिलेगी। धनराशि उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी जो अचानक किसी के पंचायत प्रधान या प्रमुख या कोई भी और मेंबर जो काम कर रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में, अगर उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के कल्याण के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण।